तो गाइस आज सिंचन का बर्थडे आप लोग देख सकते हो, मैं उसके लिए केक लेके जा रहा हूँ और जॉब भी जा रहा है मेरे साथ। और आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं सिंचन को लॉटरी लग चुका था और वो अपने बड़े वाले मैंशन में रहता है, लेकिन वो मुझसे बात बात तो करता है और आज उसका बर्थडे। आप लोग जल्दी से कमेंट सकते मैं हैप्पी बर्थडे सिंचन लिख दीजिए और जल्दी से मैं और चॉप जाते अपने। तो गाइस मैंने डाल दिया है केक उसके अंदर, चल भाई चॉप जल्दी से बैठ जा, आज शिनचैन का बर्थडे मनाने जाना है, वहीं पे खाना वाना भी खा लेंगे, चल चल जल्दी बैठ। तो गाइस चलो चलता हूँ मैं, चॉप तो बैठ चुका है जल्दी से उसके घर पे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उसको गिफ्ट विफ्ट नहीं लिया है, कहीं वो नाराज तो नहीं होगा, उसको तो पता है फ्रैंकलिन भैया गरीब हो चुका है और शिनचैन बहुत अमीर, वो तो अच्छा बच्चा है। चलो जल्दी से जाता हूँ। तो गाइस मैं और चॉप आ चुके हैं अपनी खटारी कार में। अरे भाई साहब ये तो मैंने ठोकी डाली किसको, चलो कोई भी नहीं देखा। तो गाइस हमने अपनी गाड़ी पार कर लिया और आप लोग देख सकते हो तो हम लोग जा रहे हैं। अरे भाई जब यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए और यहाँ पे लगता है डगन बॉस भी आया हुआ है, तो अंदर जाता है। ओए क्या अंदर जाते हैं, कहाँ जा रहा है, किससे पूछ के जा रहा है और किससे मिलना है? अरे यार मुझे शिनचैन से मिलना। अरे तुझे बॉस से मिलना है लेकिन क्यों? अरे देख नहीं रहा है यहाँ पे केक है? अरे तुझसे बड़े बड़े केक आके चले गए, तू क्या है पिद्दे कहीं के भाग यहाँ से। अरे मैं शिनचैन का बड़ा भाई हूँ। अरे बड़ा भाई है तो क्या करूँ, कहाँ पे था तू पहले, आ जाया है, जरूर पैसे चाहिए होगा। अरे तू बुला रहा है कि नहीं, तो मैं अंदर जाऊँ। अच्छा अच्छा देखता हूँ आएंगे कि नहीं वो, अगर आएंगे तो लेके आऊंगा, नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा। तेरी ऐसी तेजी, तू मुझे गोली मारेगा, आज हम मार के तो दिखा। अरे चल जा रहा हूँ, भिखारियों से कौन लड़ता है, और चलो पार्टी भी देखने का मजा आ जाएगा। वाह रे वाह क्या ही आतिशबाजी हो रही है, और इतने सारे कार्ड मिले हैं सिंचन भैया को गिफ्ट में, और ये देखो सिंचन भैया डांस कर रहे हैं, और बाप रे बाप। सिंचन बॉस, सिंचन बॉस कोई आया है आपसे मिलने के लिए? अरे तू अंदर भेज दू न। अच्छा बॉस मैं जा रहा हूँ अंदर लाने उसको। अरे तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, देखा बोला ना मैंने, अरे वो डांस कर रहे हैं इसलिए अंदर बुला रहे हैं, समझ गया ना गरीब कहेंगे। चल भाई चौप जल्दी से अंदर जाते हैं और उसको दे देते हैं, और रात में खाना भी खाना है ना। अरे जा 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 गरीब, तुझे नहीं जाने देंगे वो, चल चल चल। अरे भाई साहब इतनी सारी कार्स आ गए शिनचैन के पास, और चौप भी अंदर आ चुका है, देखो कितने मस्त से, और यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक भी है सब कुछ, और वो देखो शिनचैन डांस कर रहा है, और ये तो डगन बॉस है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे फेंगी भैया आप यहाँ पे क्यों आए? अरे फेंगी भैया मैंने आपको तो बुलाया भी नहीं था, आप क्या करने के लिए आ गए? अरे बाप रे पूरा प्लान चौपट कर दिया आपने, जाओ यहाँ से, आप देखा ही नहीं तेरा क्या, और ये क्या ये पागल कुत्ते को भी ला दे, किसी को काट लेगा तू। अरे क्या ये कुत्ता काटता भी है, अरे जाओ जाओ भाग यहाँ से। अरे हाँ मेरी डगन दोस्त, मैं इन लोगों को भगाता हूँ अभी, अरे जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम लोगों से। मुझे पता है कि तुमने केक लाया है, लेकिन मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है, तुम लोग गरीब हो गो, मैं तुम लोगों को देखना नहीं चाहता हूँ, भागो यहाँ से। तो गाइस आप लोगों ने तो सुना ही होगा मैंने कुछ नहीं बोला उसको, फिर भी वो इतना बोल चुका है, तो मैं जाता हूँ यहाँ से, और ये केक की ऐसी की तैसी। अरे बोला था ना बस किसी को नहीं छोड़ते गरीब लोगों को, तो उससे भी गरीब तेरी ऐसी तैसी ये ले। अरे रे चलो 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 जल्दी से भागता हूँ, तो ये लोग मुझे मारने लगेंगे, चलो भागो यहाँ से। मेरा पूरा मूड खराब हो चुका है, मैं जाता हूँ पहाड़ी के तरफ, वहाँ पे फ्रेश एयर आएगा और बहुत मजे कर लूंगा वहाँ पे। तो गाइस अब मैं और चॉप आ चुके हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो चुका हूँ, चलो जल्दी से अब जाते हैं और हवा ले लेते हैं। चॉप भी देखो कितने मस्त तरीके से आ रहे हैं, और ये क्या लिखा है, आर्थर्स पास ट्रेल सैंड एंड्रिक पार कमीशन, चलो 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 देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए। अरे बुढ़े तेरा एक ही नहीं, तेरे पास ही है वो और तू ही है वो, तुझी से हम लोग अमीर हो सकते हैं। अरे नहीं है बाबा नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो ना। अरे अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम किसी को भी नहीं देंगे, चल जल्दी से दे दे। अरे भाई साहब ये क्या बात कर रही है, उसके पास जो चीज है वो लेने से वो लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे बाप रे मुझे उस आदमी को कैसे ना कैसे बचाना पड़ेगा, लेकिन ये चॉप का बच्चा कहाँ गया? चॉप तू यहीं पे ना, जाके उन लोगों को काट और मार दे उन लोगों को। गाइस आप लोग देख सकते हो अब चॉप जा रहा है यहाँ, और इसने गया यहाँ पे, और ये देख काट लिया। अरे भाई साहब
अरे ये कौन है? अरे बुड्ढे तू नहीं बुलाया ना इसे? अरे नहीं नहीं, नहीं। अरे नहीं मैंने इसको नहीं बुलाया। और आप लोग देख सकते हो चॉप एक ही बाइट में सबको खत्म कर दिया और इसको भी खत्म कर डाला। अरे बुड्ढे तू तो गया अब, हाहा मैं तो जिंदा। और ये रे बच्चू इसको मारने जा रहा था ये ही मर गया। अरे बच्चे तू नहीं बचाया ना मुझे? हाँ हाँ मैंने ही इस कुत्ते को भेजा था आपको बचाने के लिए। अरे बच्चे तू तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये लोग मुझे मार देते और मुझे ऐसा इंसान ही नहीं मिलता जिसको मैं ये पावर दे सकूं। अरे लेकिन कैसे पावर्स? अरे रुक जा अभी तुझे बताता हूँ मैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आप किए ये क्या कर रहे हो? और मेरा माइंड क्यों ऐसे चकरा रहा है? अरे भाई साहब ये क्या हो गया मुझे? अरे भाई साहब ये क्या हो गया था मुझे? और वो आदमी गायब हो चुके, वो कहीं याददाश्त मिटाने वाला तो नहीं है ना? लेकिन मुझे सब कुछ याद है, ये क्या करा मुझे भी नहीं पता। भाई साहब मुझे जाके सोना पड़ेगा अपने घर, यहाँ पे बाहर आके उस सिंचन के बात सुन के मुझे मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। चल भाई चौप जाते हैं घर पे सो जाते हैं, बहुत धूप भी हो रही है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, धूप मेरे सर पे मार रहा है। चल चल जल्दी से बैठ जाते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। लेकिन ये मेरी गाड़ी क्यों इतनी भारी भारी सी फील हो रही है और मुझे बहुत गर्मी हो रही है। अरे भाई साहब जल्दी से उतरता हूँ देखता हूँ। अरे भाई साहब ये क्या, मेरी कार तो पूरा गोल्ड में कन्वर्ट हो चुका है, ये कैसे हुआ? भाई साहब चौप देखिए मेरी कार गोल्ड में कन्वर्ट हो चुकी है, लगता है उसने मुझे ये किया था, यही है जो उसके पास है वो मुझे पावर दे देता है, मैजिकल पावर, जिसको मैं छू दूं वो गोल में कन्वर्ट हो जाए। चल इसको सिमियन के पास बेच के आते का शोरूम। और ये रहा सिमियन, क्या कर रहा है? ये तो सिगरेट पी रहा है। अरे फ्रैंकलिन तू सूट बूट में और वो भी गोल्डन कार में, ये कैसे हुआ? अरे अब क्या बताऊं, मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बोल बोल क्या हुआ जल्दी से, मैं तेरे कार को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अरे क्या गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है? अरे भाई लेकिन कैसे करेगा गोल्ड में कन्वर्ट वो तो बता दे। अरे मेरे पास पावर्स है ना, उसी के वजह से मैं जिसको भी छू दूंगा, मतलब कौन से भी कार को छू दूंगा वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोल उसको कितने पैसे देगा? अरे मैं दे सकता हूँ 700 मिलियन डॉलर, क्योंकि 7 कार है ना 100 मिलियन एक के। चल ठीक है मैं इसको टच किया। अरे टच करने को बोल को चढ़ रहा है। अरे ऐसे ही होगा ना, रुक और देख, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे बाप रे फ्रैंकलिन तूने तो कमाल ही कर डाला रे भाई, तूने तो एकदम गोल्ड में कन्वर्ट कर डाला। मैं तुझे अभी के अभी पैसे दूंगा 700 मिलियन डॉलर और 50 मिलियन डॉलर अलग से। और ये देख मैंने तुझे ट्रांसफर कर दिए हैं भाई साहब, अब तो मैं चेक भी। अरे भाई साहब 715 मिलियन डॉलर मुझे मिल चुके हैं। चल अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी आना। हाँ आऊंगा ना। अरे ये कार भेज देता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। और ये क्या यहाँ पे इतने सारे गोल्डन कार्स? चलो जल्दी से। और ये क्या, ये तो फ्रैंकलिन भैया है। अरे फ्रैंकलिन भैया, अरे फ्रैंकी भैया ये क्या हो गया, आप तो इतने अमीर हो चुके हो। अरे सिंचन बेटा क्यों आए हो यहाँ पे? अरे मेरे पास ये एक ही खटारी कार पड़ी हुई है, ये बेच के ले लो, मुझे जो भी पैसे मिले वो दे दो। अरे सिंचन लेकिन तू रो क्यों रहे? अरे बाप रे क्या बोलूं, वो डग्गल बॉस ने मेरे पूरे पैसे ले लिए, मेरा पूरा घर ले लिया, अब क्या करूं मैं? फ्रैंकलिन भैया और आप कैसे अमीर हो गए? यार मुझे पावर्स मिले थे ना, मैं उस पावर से किसी को भी व्हीकल को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे रहा था। अरे हाँ हाँ वही कर दे रहा था। अरे फ्रैंकी भैया मुझसे जो भी गलती होगी माफ कर दो ना, प्लीज मेरी भी हेल्प कर दो ना, प्लीज वो घर दिला दो ना फ्रैंकी भैया, हम दोनों साथ में रहेंगे। अरे साथ में रहे या ना रहे मैं तेरी मदद तो जरूर करूंगा चिंचन, क्योंकि तू मेरा भाई है। फ्रैंकी भैया चलो चलो, और ये गोल्डन कार में लेके चलोगे क्या मैं? हाँ गोल्डन कार में लेके चलूंगा मैं। अरे फ्रैंकी भैया ये देखो, और ये मेरे पूरे सिक्योरिटी गार्ड को भी ले लिया। अच्छा बेटा ऐसी बात है क्या, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन लोगों को भी मजा चिखाना पड़ेगा। और ये लो बच्चों तुम्हारी ऐसी तेजी। अरे फेंगी भैया सबको खत्म कर डालो, ये सब मिले हुए बाप रे बाप, बच्चा समझ को मार ही डालती। और ये लो बच्चों मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और ये डगन बॉस कहाँ है? उसकी ऐसी तेजी, पहले उसको ही खत्म करूंगा। और वो रहा डगन बॉस कहेंगा, चलो उसको तो खत्म कर डाला। और वो तो नीचे पड़ गया है देख सिंचन। अरे बाप रे फेंगी भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया फेंगी भैया, आपने मेरी मदद की। फ्रैंकलिन भैया अब हम लोग यहीं पर रहेंगे और ये सब अब हमारा है। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो पर नए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।